Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Credit Group. So guys, हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है फ्रॉम 12th ऑफ फेब अप टू द 14th ऑफ फेब इसके बीच में जो है एफ कैट का एग्जामिनेशन होगा राइट और आज जो डेट है ये आपको कितनी देखने मिलेंगे 13th ऑफ जैन तो अराउंड एक मंथ पूरा का पूरा हमारे पास है और इसमें हम क्या करेंगे कि जो एफ कैट के लिए जीके है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो कोशिश ये रहेगी कि पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम क्या करें इस जीके को कंप्लीट करें राइट तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको जो है इन वीडियोस के साथ एक बार गो थ्रू करना है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे आप उसको कहीं ना कहीं हिट कर पाओगे राइट तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे ठीक है यस तो जैसा कि आपको पता है कि एक आधा क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से हमेशा आपको एक ना एक देखने को मिलेगा और यदि आपको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता है तो कहीं ना कहीं आप इजीली जो है आंसर कर भी सकते हो राइट तो सबसे पहला जो स्पोर्ट्स हमारे पास है ये है एथलेटिक्स और एथलेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है ये है रिले क्या है रिले आपको जो है पहली टर्मिनोलॉजी देखने को मिल जाएगी और यदि हम बात करते हैं सर रिले की तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आप इन प्लेयरों को देखोगे तो ये बेसिकली क्या करेंगे इनके पास एक क्या होगा ऐसे छोटी सी स्टिक होगी अब बेसिकली ये हैंड ओवर करते जाएंगे एक दूसरे को और उस तरीके से ये क्या करते हैं रेस को कंप्लीट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं रिले कहते हैं तो ये आई होप ये आपको पहली टर्मिनोलॉजी जो है क्लियर होगी होगी जो दूसरा आपको क्या देखने मिलेगा दूसरा आपको देखने मिलेगा ट्रैक राइट सर दूसरा आपको देखने मिलेगा ट्रैक ट्रैक बेसिकली ये जो आपको क्या देखने मिलेगा ये सारा का सारा जो है क्या है ये ट्रैक है तो जो है दूसरी टर्मिनोलॉजी का है ट्रैक थर्ड सर आपको क्या देखने मिलेगा लैन तो ये आपकी क्या है ये आपको जो है लैन देखने को मिलेगी फोर्थ आपको क्या देखने मिलेगा फोटो फिनिश तो जब आप क्या करते हो जो फिनिशिंग लाइन है इसको जब आप क्रॉस करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं फोटो फिनिश कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्ली आपने पहले नहीं सुना होगा तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो फोटो फिनिश है इट इज एसोसिएटेड विद द एथलेटिक्स फिफ्थ आपको क्या देखने मिल जाएगा हर्डल्स ये सारे के सारे क्या हैं ये आपको हर्डल्स देखने को मिलेंगे सिक्स जो होगा ये होगा शॉटपुट शॉटपुट में आप ये देखोगे कि ये जो गोला है ये इसके हाथ में है ठीक है यस तो इसको हम क्या कहेंगे शॉटपुट और जो शॉटपुट है ये किसके साथ एसोसिएटेड है इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द एथलेटिक्स तो अभी तक एथलेटिक्स में हमने क्या क्या देखा हमने रिले को अच्छे से समझा कि रिले किस में होता है ये एथलेटिक्स में देखने को मिल जाएगा ट्रैक किस में होगा ये भी एथलेटिक्स में देखने को मिल जाएगा लेन किस में होगा ये भी एथलेटिक्स में देखने को मिलेगा उसके बाद जो है फोटो फिनिश किस में होगा ये भी एथलेटिक्स में होगा हर्डल्स किस में होगा ये भी एथलेटिक्स में और शॉर्टपुट भी आपको जो है किस में देखने को मिलेगा एथलेटिक्स के अंदर ही देखने को मिलेगा उसके बाद सर आपको क्या देखने को मिलेगा डिस्कस थ्रो तो शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में डिफरेंस क्या है कि इसमें एक डिस्क आपके हाथ में होगी जब डिस्कस थ्रो होगा शॉटपुट में क्या होगा एक आपके पास जो है स्फीयर आपको देखने मिल जाएगा जो आपके हाथ में होगा राइट उसके बाद जो है आपको क्या देखने मिलेगा हैमर थ्रो हैमर जो थ्रो है ये बेसिकली किसके साथ एसोसिएटेड है हैमर थ्रो जो एसोसिएटेड है ये भी स्पोर्ट्स के साथ जो आपका एथलेटिक्स है इसके साथ एसोसिएटेड है यहाँ पे आप देखना कि ये जो आपका क्या था स्फीयर है इसको जो है फाइनली जो है चेन से बांधा जाएगा तब जाके आपको क्या करना है उसको जो है फेंकना है इसको हम क्या कहेंगे हैमर थ्रो कहेंगे उसके बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा हाई जंप आपको देखने को मिल जाएगा हाई जंप के बाद आपको ट्रिपल जंप देखने को मिल जाएगा ये क्या है ट्रिपल जंप देखने को मिल जाएगा और उसके बाद क्या होगा क्रॉस कंट्री होगा तो ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ये किसके साथ एसोसिएटेड है ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड है एथलेटिक्स के साथ में तो टोटल आपको 8 से 9 टर्मिनोलॉजीज देखने को मिल जाएगी जो कि आपको याद रखनी है पहली आपको रिले देखने को मिलेगी दूसरा ट्रैक होगा थर्ड आपको लेन देखने को मिलेगा फोर्थ आपका जो होगा ये होगा फोटो फिनिश फिफ्थ जो देखने को मिलेगा ये होगा हर्डल सिक्स्थ आपको देखने को मिलेगा शॉटपुट राइट सेवन्थ आपको देखने को मिलेगा डिस्कस थ्रो एट्थ जो होगा ये होगा हैमर थ्रो नाइन्थ आपको हाई जंप टेंथ आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल जंप और इलेवंथ आपको देखने को मिलेगा क्रॉस कंट्री मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा अब हम बात करेंगे बैडमिंटन की राइट तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बैडमिंटन है इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे और आप में से बहुतों ने खेला भी होगा राइट तो सर सबसे पहले शटल कॉक राइट तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो शटल है वो क्या है उसके बाद ड्यूस इसके बारे में भी आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा गेम डबल फॉल्ट राइट सर्विस कोर्ट फोर हैंड बैक हैंड स्मैश हिट ड्रॉप नेट लेट लव
ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारी की सारी टर्मोलॉजीज हैं सर किसके साथ में, ये सारी की सारी टर्मोलॉजीज आपको देखने को मिलेगी बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम जो है पहले हैंड क्या है, सबसे पहले हम हैंड वालों को उठाएंगे, तो एक आपको क्या देखने को मिलेगा, फोर हैंड देखने को मिलेगा, दूसरा सर क्या होगा, बैक हैंड होगा, राइट। तो दो टर्मोलॉजी हमें बहुत अच्छे से याद हो चुकी है, जो फोर हैंड है इट इज एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन एंड द बैक हैंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन, राइट। उसके बाद जो पहले हम इजी वाले हम क्या करेंगे जो है याद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा, उसके बाद जो है आप क्या करोगे सर, हिट और स्मैश दोनों आपको सेम देखने को मिल जाएगा, तो सर उसके बाद जो है आप क्या देखोगे, हिट एंड स्मैश। तो इस तरीके से जो क्या होगी, चार हमारे पास टोटल टर्मोलॉजी होगी, पहली क्या देखने मिल जाएगी फोर हैंड, दूसरी क्या होगी बैक हैंड, थर्ड आपको क्या देखने मिलेगा हिट, फोर्थ क्या देखने मिलेगा स्मैश, जब फिफ्थ आपको उसके बाद सर आपको फिफ्थ कौन सी होगी, ये आपको देखने मिलेगी ड्रॉप, क्या होगी सर ड्रॉप। और जब आप ड्रॉप करोगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेट में जो है आपकी शटल लग जाए, तो ड्रॉप और नेट हम एक साथ याद कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अभी तक टोटल छः जो है याद कर ली है, इसमें से सबसे पहली आपको कौन सी देखने मिल जाएगी, सबसे पहली आपको देखने मिलेगी फोर हैंड, उसके बाद आपको कौन सी देखने मिलेगी, बैक हैंड देखने मिल जाएगी, उसके बाद आपको हिट देखने को मिलेगी, हिट के बाद सर क्या होगी स्मैश होगी, स्मैश के बाद आपको क्या देखने मिलेगा, आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, और ड्रॉप के बाद जो आपको देखने को मिलेगी ये होगा नेट, राइट। अब यहाँ पर डबल एल आपको देखने मिल जाएगा, तो लेट लव ऐसे हम याद रख सकते हैं, लेट और लव ये किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द, किसके साथ एसोसिएशन देखने को मिल जाएगा, ये देखने को मिलेगा आपका बैडमिंटन के साथ। तो हमने ये देखा होगा कि अभी तक हम जो है टोटल एट टर्मोलॉजीज को बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं, तो पहली हमने कौन सी देखी, फोर हैंड देखी, सेकंड आपको क्या देखने मिलेगी, बैक हैंड देखने को मिलेगी, थर्ड आपको हिट और स्मैश, फोर्थ आपको उसके बाद जो है फिफ्थ आपको देखने मिलेगी ड्रॉप, उसके बाद नेट, और उसके बाद लेट और लव, राइट। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे बाकी की जो पांच बज की, तो शटल को आप इजीली याद रख सकते हो कि बैडमिंटन में शटल का तो यूज होगा ही, राइट। तो एक और ऐड होगी, हमने टोटल नौ कर ली, चार हमें और याद करनी है। अब सर बैडमिंटन क्या है, गेम है, यस, तो गेम भी इजीली याद रह जाएगा, तो टोटल कितनी होगी दस, हमें तीन और याद करनी है, राइट। उसके बाद जो है बचा कौन सा, अब आपको ये देखने मिल जाएगा जब आप खेलोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां पे फाउल, तो आपने हर एक गेम में सुना होगा कि फाउल है, ऐसे आपको फॉल्ट भी देखने मिल जाएगा, राइट। तो इसके बाद क्या आएगा, फॉल्ट आएगा, तो टोटल कितने हो गए, ग्यारह हो गए, राइट। जो हमारा नाइन्थ कौन सी बनी थी, नाइन्थ हमारी बनी थी कौन सी, जो एट्थ नाइन्थ हमारी बनी थी शटल, शटल के बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने गेम देखा था, गेम के बाद हम देखेंगे फॉल्ट, फॉल्ट के बाद आपको क्या देखने मिलेगा, सर्विस करवाओगे, तो सर्विस कोर्ट देखने मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा सर, ड्यूस होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो है टर्मोलॉजी को याद रख पाएंगे। अब सर टर्मोलॉजीज याद कैसे रहेंगी, टर्मोलॉजीज को याद रखने का तरीका ये होगा कि या तो आप जो है मेरे साथ रिपीट करो, साथ साथ में बोलते रहो, तब जाके आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, जब मैं तो रिवाइज करवाता हूँ तो साथ साथ में आपको क्या करना है, खुद भी रिपीट करते हुए चलना है, ताकि जो है चीज़ें याद रह जाएं। तो अभी तक हमने जो है एथलेटिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर दिया, अलॉन्ग विद दैट जो है बैडमिंटन भी हमारा बहुत अच्छे से कवर हो गया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे सर, अब हम बात करेंगे बेसबॉल के बारे में। तो सर यदि हम बात करते हैं किसके बारे में सर, सबसे पहले हम बात करेंगे पिचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, पिचर के बारे में बात करेंगे। पिचर कौन होगा सर, पिचर वो होगा जो कि क्या करता है, जो कि ये बॉल फेंक रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, पिचर कहेंगे। ये सर कौन होगा, पिचर होगा। तो पिचर किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द बेसबॉल। सेकंड पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, डायमंड देखने को मिल जाएगा। तो सर ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये आपको डायमंड देखने को मिल जाएगा, यस। तो डायमंड सर किसके साथ एसोसिएटेड है, डायमंड इज एसोसिएटेड विद द बेसबॉल। किसके साथ एसोसिएटेड है, बेसबॉल के साथ, बेसबॉल के साथ जो है एसोसिएटेड है। थर्ड आपको क्या देखने मिलेगा, थर्ड आपको देखने मिलेगा पिंचिंग, क्या देखने मिल जाएगा, पिंचिंग। पिंचिंग का मतलब क्या है, ये जो क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, पिंचिंग कहेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, पीडीपी देख लिया, बेसबॉल की यदि हम बात करते हैं, पहले क्या आएगा, पिचर, पिचर क्या करेगा, पिंचिंग करेगा, उसके बाद जो है आपको डायमंड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद आपको देखने मिलेगा बंटिंग, बंटिंग में सर आपको क्या देखने मिल जाएगा, बंटिंग मतलब बंट, जिसमें क्या करता है सर, जो ये है जो कि हिट कर रहा है ये सर, या तो ये जो बेसबॉल है इसको बिल्कुल घुमाई ना, या फिर सर जो यदि लग भी जाए तो बिल्कुल स्लोली क्या करे, उसको जो है टैप करके जो है थोड़ा सा हिट करे, बस दैट्स इट। इसको हम क्या कहेंगे, बंटिंग कहेंगे, ठीक है, यस। तो सर ये जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा, चार टर्मोलॉजी देखने मिल जाएगी बेसबॉल के अंदर। पहली होगी पिचर, सेकंड वन इज डायमंड, थर्ड आपको देखने मिलेगी पिंचिंग, फोर्थ देखने मिलेगी बंटिंग, फिफ्थ सर आपको क्या देखने मिल जाएगा, फिफ्थ आपको देखने मिल जाएगा होम रन। जब आपका ये जो बैटर है, इसने क्या किया सर, हिट किया बॉल को, ठीक है, और जब ये यहां से भागेगा,
ठीक है, और भागता हुआ जो है पूरा कंप्लीट करेगा, इसको हम क्या कहेंगे सर, होम रन कहेंगे। क्या कहेंगे? होम रन कहेंगे। ऐसे सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बेस रनर देखने को मिल जाएगा। आ इसने हिट किया, इसके बाद एक जगह से ये दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर, इसको हम कहेंगे बेस रनर। क्या कहेंगे? बेस रनर। ठीक है, यस और नो? वेरी गुड। तो सर अभी तक हमने जो है बेसबॉल में छह टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से जाना। पहला कौन सा था? पिचर। सेकंड वन आपको क्या देखने मिलेगा? डायमंड। थर्ड वन देखने को मिलेगा? पिंचिंग। फोर्थ जो होगा ये होगा बंटिंग। फिफ्थ आपको देखने मिलेगा? होम रन। और सिक्स्थ आपको देखने मिलेगा? बेस रनर। ठीक है, उसके बाद सर आपको जो है सेवन्थ क्या देखने मिलेगा? थ्रो। क्या देखने मिलेगा? थ्रो। जो ऑब्वियसली जो फील्डर्स हैं, जब ये क्या करेंगे, जब ये जो है क्या करेंगे सर, ये जो है बॉल को फेंकेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? थ्रो कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सर परफेक्ट गेम क्या होता है। अब सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो पिचर है, पिचर कौन है? जो कि बॉल फेंक रहा है, ये सारे के सारे जो भी आपके क्या हैं, ये जो बैटर्स हैं, इनको सबको जो है क्या कर देता है? रिटायर कर देता है। आउट होने को क्या कहते हैं? रिटायर कहते हैं। ये रिटायर कर देगा तो उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट जो है गेम कहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्राइक मतलब कि क्या? ये जो हिट कर रहा है इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्राइक करेंगे। पुट आउट, पुट आउट का मतलब क्या होगा? अ फील्डर इज क्रेडिटेड विद द पुट आउट। जब इसने क्या किया, मान लो ये होम रन लेने के लिए जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो है इसको आउट कर देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पुट आउट कहेंगे। क्लियर हुआ? यस ऑर नो? तो ये सारे के सारे जो है 10 टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला जो है पिचर देखने को मिलेगा, दूसरा डायमंड, थर्ड आपको पिंचिंग देखने को मिलेगा, फोर्थ बंटिंग, फिफ्थ होम रन, सिक्स्थ आपको जो है बेस रनर देखने को मिलेगा, जो सेवन्थ होगा ये थ्रो होगा, उसके बाद जो है आपको परफेक्ट गेम के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्राइक के बारे में पता होना चाहिए, और पुट आउट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारे पास गेम है ये देखने को मिल जाएगी, बास्केटबॉल। क्या देखने को मिलेगा सर? बास्केटबॉल। तो सर सबसे पहले जो है आपको क्या देखने मिल जाएगा? फ्री थ्रो। क्या देखने मिलेगा? फ्री थ्रो। बास्केटबॉल में देखना, अभी ये सारे के सारे जो आपके क्या है प्लेयर हैं, ये बिल्कुल दूर दूर है, इसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, आराम से इसको फ्री थ्रो मिला है कि ये ताकि क्या कर पाए, बास्केट कर पाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्री जो है थ्रो कहते हैं। कॉमन फाउल मतलब कि क्या? ये जैसे कि अभी ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके जो है फेस को टच कर रहा है, जिसके कारण ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन फाउल आपको देखने को मिलेगा। थर्ड जो टर्मिनोलॉजी देखने मिलेगी, अंडर हेड। अभी देखना इसकी बास्केट की जो पोजीशन है, इसके हेड के बिल्कुल जो है सामने है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अंडर हेड कहते हैं। तो ये थर्ड देखने मिल जाएगा। फोर्थ आपको क्या देखने मिल जाएगा सर? ओवर हेड। जब ये ऊपर से बास्केट करने वाला है, इसको हम क्या कहेंगे? ओवर हेड कहेंगे। फिफ्थ सर क्या होगा? टेक्निकल फाउल, जो कि आप फाउल में ही गिन सकते हो, राइट। तो सर अभी तक हमने जो है बास्केटबॉल में क्या क्या देखा? बास्केटबॉल में आपको फ्री थ्रो देखने को मिल जाएगा, कॉमन फाउल देखने को मिलेगा, अंडर हेड देखने को मिल जाएगा, टेक्निकल फाउल देखने को मिलेगा, और ओवर हेड आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में? अब हम बात करेंगे बोट रेसिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बोट रेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे आपको ये देखने मिलेगा कॉक्स। क्या देखने मिलेगा? कॉक्स। अब सर कॉक्स कौन होता है? ये बेसिकली जो है ये आपको क्या देखने मिल जाएगा? कॉक्स देखने को मिल जाएगा। ये क्या कर रहा है? ये लीडर है इस बोट का, और ये डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। ये खुद क्या कर रहा है? इन जो है ये जो आपके क्या है सर, ये जो आपके जो है चप्पी है, इनको जो है बिल्कुल क्या कर रहा है सर, इनको जो है घुमा नहीं रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन दिखा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सर इसका काम क्या होगा कि जो है रोअर जो है एक रिदम में जो है क्या करें, रोइंग करें, राइट। तो ये आपको क्या देखने मिलेगा? कॉक्स देखने को मिलेगा। बस पता होना चाहिए जो कॉक्स है ये किसके अंदर, कौन सी गेम के अंदर है? रोइंग के अंदर आपको देखने मिल जाएगा, बोट रेसिंग के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बिलार्ड और स्नूकर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? हम बात करेंगे बिलार्ड और स्नूकर के बारे में, राइट। तो ये आपको जो है सारी की सारी क्या देखने मिल जाएगी सर? जो गेम है इसको हम बिलार्ड एंड स्नूकर कहते हैं। सबसे पहले सर आपको क्या देखने मिलेगा? पुल देखने मिलेगा। पुल का मतलब क्या होगा? जब आपने हिट करना होता हो, उससे पहले जो आप जो आपकी क्या होगी सर, जो आपकी स्टिक होगी उसको आप पीछे खींचते हो, जिसको स्टिक को हम क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। उसको आप पीछे खींचते हो, उसको हम क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद सर जो है क्यू, ये क्या देखने मिल जाएगा? ये आपको देखने मिलेगा जिगर। क्या देखने मिलेगा? जिगर। तो क्यू को समटाइम आपको ये होता है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो डायरेक्टली क्यू के साथ, तो आप जिगर का यूज करके कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश करते हो। तो क्यू और जिगर दे आर एसोसिएटेड विद द बिलार्ड एंड स्नूकर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा होगा सर? इसके बाद आपने ये देखा होगा कि इन ऑफ। इन ऑफ किस में देखने को मिल जाएगा? ये भी बिलार्ड और स्नूकर में ही देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपका क्या होगा सर, जब आपने कोई शॉट मारा और वो पॉकेट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो जब आपने क्या किया सर, आपने किसी एक बॉल को हिट किया, वो बॉल दूसरी बॉल को हिट करती है और दूसरी बॉल जो है पॉकेट के अंदर जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इन ऑफ कहते हैं। उसके बाद सर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्क्रैच देखने को मिलेगा, हिट देखने को मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट बॉल। ऑब्जेक्ट बॉल कौन सी होगी? जो कि आपको बॉल क्या करनी है? पॉकेट के अंदर डालनी है, यस। उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ब्रेक शॉट देखने को मिलेगा।
ठीक है। ब्रेक शॉट कौन सा होगा सर, जब आपने सारी की सारी जो है या तो आपने रेड और जो या फिर जो है जब आपने सर सारी की सारी जो है रेड बॉल्स जो है पॉकेट के अंदर डाल दी है, तो उसके बाद आपको क्या देखने मिल जाएगा, ब्रेक शॉट देखने को मिलेगा। उसके बाद इन बॉलों का आपको देखने मिलेगा, पॉट देखने को मिलेगा, स्कोरिंग देखने को मिल जाएगा, कैनॉन्स देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है सबसे बड़े कैनॉन में बेसिकली क्या होगा कि आपने स्नूकर तो किया ठीक है, लेकिन सर उसका जो है बेसिकली जो है क्या कर रहे हो उसका आपकी पोजिशन के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा, क्वेश्चन बिलार्ड देखने को मिल जाएगा। तो बिलार्ड से तो इसको याद रख सकते हो, कैनॉन का याद रखना है, इन ब्लॉक का याद रखना है, ब्रेक शॉट का याद रखना है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट बॉल का याद रखना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और क्यू के बारे में पता होना चाहिए। यस, तो ये सारी की सारी टर्मोलॉजी किसके साथ एसोसिएटेड थी, ये सारी की सारी टर्मोलॉजी एसोसिएटेड थी बिलार्ड और स्नूकर के साथ में। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, बॉक्सिंग के बारे में। तो यदि हम बॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने मिल जाएगा, सबसे पहले नॉकआउट, जब आप अपने क्या ओपोनेंट को जो है मारोगे वो नीचे गिरेगा, रेफरी 10 तक काउंट करेगा, यदि वो उठ नहीं पाएगा तो मतलब कि आपने इसको नॉकआउट कर दिया है ठीक है। उस वजह से जैब देखने को मिल जाएगा राइट, जो है आप हिट करोगे, ये सारे के सारे राउंड हो गया, हुक हो गया, पंच हो गया, अपरकट हो गया, किडनी पंच हो गया, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्या है, पंचिंग है राइट। उसके बाद आपको क्या देखना है, फुटवर्क और टाइमिंग, ये भी किसके साथ ही एसोसिएटेड है, बॉक्सिंग के साथ ही एसोसिएटेड है। तो बॉक्सिंग के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको नॉकआउट देखने को मिलेगा, उसके बाद जैब, राउंड, हुक, पंच, अपरकट, किडनी पंच, और उसके बाद जो है टाइमिंग और फुटवर्क के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टर्मोलॉजीज हैं सर, ये आपको कबड्डी की देखने मिल जाएगी, कबड्डी आप में से काफ़ी फैमिलियर होंगे तो इसलिए मैंने इमेजेस का कम यूज़ किया है कबड्डी में कि आपको ऐसे पता होगा राइट। तो सर क्या देखने मिल जाएगा, जैसे कि रेडर, जो रेड देता है, रेडर क्या रेड देगा, यस, जब उसको कोई पकड़ लेगा वो स्ट्रगल करेगा राइट, ऐसे एंटी होगा, रिवोक होगा। उसके बाद जो आपको रफ देखने मिल जाएगा, डमी देखने मिल जाएगा, लिटिल स्लैम देखने मिल जाएगा, ये सारी की सारी टर्मोलॉजी किसके साथ एसोसिएटेड है, कबड्डी के साथ एसोसिएटेड है। तो कबड्डी के साथ कौन कौन सी टर्मोलॉजीज आपको देखने मिल जाएगी, रेडर देखने को मिलेगी, रेड देखने मिलेगी, स्ट्रगल, एंटी, रिवोक, रफ, डमी और लिटिल स्लैम आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, ब्रिज के बारे में बात करेंगे ठीक है। तो आई होप आप जो है इनको तो जानते ही होंगे, यस। तो ये क्या देखने मिलेगा, ट्रंप राइट। तो ट्रंप किसके साथ एसोसिएटेड है, ये आपको जो है ब्रिज के साथ एसोसिएटेड है, ग्रैंड स्लैम देखने मिल जाएगा, डायमंड और ट्रिक, ये सारे के सारे किसके साथ एसोसिएटेड है, ये जो है आपको ब्रिज के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे हमने एक वर्ड पहले पढ़ा हुआ है, डायमंड, डायमंड ये किसका देखने को मिल जाएगा, डायमंड आपको देखने को मिल जाएगा बेसबॉल का, और डायमंड्स किस में है, ये है ब्रिज में। तो वर्ड जो है थोड़ा ध्यान से देखना। उसके बाद जो सर आपको क्या देखने मिल जाएगा, चेस देखने को मिलेगी। चेस में जो है सर सबसे पहले जो है आपको जो है चेस के पीसीस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको किंग देखने को मिल जाएगा, ये किंग है, ये आपको पॉन देखने को मिल जाएगा, ये क्या होगी, क्वीन होगी, ये क्या होगा, रूक होगा, ये आपको नाइट देखने को मिल जाएगा, और बिशॉप ये देखने को मिल जाएगा। तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बिशॉप, नाइट, रूक, क्वीन, पॉन और किंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। गैम्बिट किसके साथ एसोसिएटेड है, चेस के साथ एसोसिएटेड है। चेकमेट ठीक है, चेकमेट मतलब कि क्या, जब आपको आप सामने वाले को जो है कहीं ना कहीं पूरी जो है जो इसके इसका जो किंग है इसको मार गिराने वाले होते हो ठीक है, उसको चेकमेट कहते हैं। आई होप आपको पहले से पता होगा ठीक है, यस। उस बार स्टेलमेट आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेलमेट एक ड्रॉ ही होगा राइट। उस बार चेक होगा, उसके बाद सर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, ये सारे के सारे किसके साथ एसोसिएटेड है, चेस के साथ एसोसिएटेड है। तो चेस में आपको गैम्बिट देखने को मिल जाएगा, चेकमेट देखने को मिलेगा, स्टेलमेट देखने को मिलेगा, चेक और ग्रैंड मास्टर, ये सारे के सारे जो है किसके साथ एसोसिएटेड है, चेस के साथ ही एसोसिएटेड है। उसके बाद हम बात करेंगे सर साइकिलिंग की, साइकिलिंग में क्या देखने को मिल जाएगा, स्प्रिंट देखने को मिल जाएगा, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस, पॉइंट रेस ठीक है। तो कौन कौन सी देखने को मिल जाएगी, स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस और जो है जो आपका क्या होगा, पॉइंट रेस होगा, दे आर एसोसिएटेड विद द साइकिलिंग। अब हम बात करेंगे किसके साथ, फुटबॉल के साथ। तो सर फुटबॉल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, किक देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हेड, जो आपका हेडर का यूज करते हो, पेनल्टी किक देखने को मिल जाएगी, ड्रिबलिंग देखने को मिल जाएगी, ऑफसाइड, हैट्रिक, फाउल। उसके बाद सर लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट को याद रखना और राइट आउट को याद रखना थोड़ा सा यूनिक है। उसके बाद गोल तो आप याद रख ही रहोगे, स्टॉपर, डिफेंडर ये तो आप देख ही लोगे, मूव और पास ये भी देख ही लोगे। कॉमर को याद रखना, न्यू टर्मोलॉजी लग रही है ठीक है, कॉमर। उसके बाद बिक, बेस लाइन, रिबाउंड, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए ठीक है। तो सर फुटबॉल में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, किक देखने को मिलेगी, उसके बाद जो है हेड, पेनल्टी किक, उसके बाद ड्रिबल, उसके बाद सर आपको ऑफसाइड देखने को मिलेगा, ऑफसाइड के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, गोल,
राइट आउट, उसके पास स्टॉपर, डिफेंडर, मूव, पास, कॉमर, बिक, बेसलाइन, रिबाउंड, ये सारे के सारे इसी में ही देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे सर किसके बारे में, बात करेंगे गोल्फ के बारे में। तो सर गोल्फ में आपको क्या देखने मिल जाएगा, सबसे पहले आपको होल, होल क्या देखने मिल जाएगा सर, यहाँ पे आपको होल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखने मिल जाएगा बॉगी, बॉगी क्या होगी सर, जिसके अंदर जो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो ये आपकी क्या है सर, ये जो आपकी स्टिक्स हैं ये जो है इसके अंदर रखी जाती हैं, राइट। उसके बाद सर आपको क्या देखने मिल जाएगा, पुट देखने को मिल जाएगा, पुट के बाद जो है आपको स्टाइम देखने को मिलेगा, राइट। ये सर स्टाइम क्या है, स्टाइम ये होगा जब ये बिल्कुल क्या कर रहा है, इस बॉल को हिट नहीं कर रहा है, इसको जो है बिल्कुल टहला रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टाइम कहेंगे। उसके बाद आपको कैडी देखने मिल जाएगा, कैडी कौन होगा, कैडी वो होगा जो कि जो मेन प्लेयर है उसके बैग को कैरी करता है और उसको जो है मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आपको टी देखने को मिल जाएगा, टी क्या होगा, जिसके ऊपर ये जो आपकी क्या है गोल्फ की बॉल है ये जो है इसके ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ देखने मिलेगी, गोल्फ देखने को मिलेगा, गोल्फ के अंदर जो है आपको होल, बोगी, पुट, स्टाइम, कैडी और जो है टी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, यस। उसके बाद हम बात करेंगे सर जिमनास्टिक की। तो जिमनास्टिक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, पुश, फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, जहाँ पे वार वर्ड दिखा वहाँ पे आपको सीधा इसको किसके साथ लिंक करना है सर, इसको आप सीधा लिंक करोगे जिमनास्टिक के साथ में, राइट। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं हॉकी की, हॉकी के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, बुली देखने को मिल जाएगा, उसके बाद शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, ठीक है, और उसके बाद जो है कट, उसके बाद जो है क्या देखने मिलेगा, स्कूप, ड्रिबल, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, ये वर्ड याद रखना, एस्ट्रफ, ठीक है। उसके बाद जो है सडन डेथ, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, टाई ब्रेकर, कैरिड, स्टिक, स्ट्राइकिंग सर्कल, अंडर कटिंग, ये सारे किसके साथ एसोसिएटेड है, हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। बस आपको सबको याद नहीं करना है, आपको एक बार जो है कानून से गुजारना है इनको कि आपने इनके बारे में कभी सुना हो, ताकि जो आप वहाँ पे रिकॉल कर पाओ, राइट। तो ये सर क्या देखने मिल जाएगा, हॉकी के साथ है। उसके बाद हम बात करते हैं सर हॉर्स रेसिंग की। हॉर्स रेसिंग सर एक आपको देखने मिलेगा पंटर, पंटर कौन होगा सर, पंटर वो होगा जो कि बैटल गाता है हॉर्स रेसिंग पे। जॉकी कौन सा होगा सर, जो कि चलाता है किसको, हॉर्स को राइड करता है, ठीक है। प्लेस क्या होगा सर, प्लेस ऐसा प्लेस जहाँ पे जो है बैट वगैरह जो है लगती रहती है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेस्ट मतलब कि क्या, जब जॉकी और ओनर और ट्रेनर जो है बाद में लड़ाई झगड़ा कुछ करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट कहेंगे। बस पता होना चाहिए पंटर, जॉकी, प्लेस, ये है क्या, किसके साथ एसोसिएटेड है, हॉर्स रेसिंग के साथ एसोसिएटेड है। अब हम बात करेंगे खो खो की। खो खो में आपको क्या देखने मिल जाएगा, रनर, चेजर, उसके बाद पोल बाय, आउट और फाउल। तो एक रनर होगा, एक चेजर होगा, पोल आसपास लगे होंगे, ठीक है, आउट और फाउल, ये इजी है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद लॉन टेनिस के बारे में बात करेंगे। तो लॉन टेनिस में आपको क्या देखने मिल जाएगा सर, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ड्यूस, उसके बाद जो है क्या देखने मिलेगा, एडवांटेज, एडवांटेज के बाद क्या देखने मिल जाएगा, गेम पॉइंट, गेम पॉइंट के बाद ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट को याद रखना, यस। उसके बाद जो है क्या देखने मिलेगा, स्मैश, शॉट, ब्रेक, ग्रास कोर्ट, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, नेट प्ले को याद रखना, यस। उसके बाद जो है बेसलाइन, ये सारे के सारे सर किसके साथ एसोसिएटेड है, ये देखने मिल जाएंगे कि लॉन टेनिस के साथ ही एसोसिएटेड है। तो पहला कौन सा होगा, सर्विस, दूसरा ग्रैंड स्लैम, थर्ड ड्यूस, फोर्थ आपको क्या देखने मिलेगा, एडवांटेज, फिफ्थ गेम पॉइंट, सिक्स ब्रेक पॉइंट, सेवन्थ जो देखने मिलेगा स्मैश, शॉट, ब्रेक, ग्रास कोर्ट, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले और बेस लाइन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यदि हम बात कर देंगे सर किसके बारे में, पोलो के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हॉर्स को राइड कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट इनके हाथ में स्टिक है और इस गेम को हम क्या कहते हैं, पोलो कहते हैं। एक सर आपको क्या देखने मिलेगा, चक्कर देखने को मिलेगा, चक्कर आपको क्या देखने मिल जाएगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब दो अराउंड आपको क्या देखने मिल जाएगा कि जो पोलो का मैच है अराउंड दो घंटे का होता है, इसके बीच में जो ब्रेक होता है उसको ब्रेक को क्या कहते हैं, चक्कर कहते हैं, पता होना चाहिए। उसके बाद बंडर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद मैलेट देखने को मिल जाएगा। मैलेट सर क्या होगा, मैलेट आपको ये जो स्टिक है इसको क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद सर आपके पास बचा क्या, आपके पास राइफल शूटिंग बची, तो बुलाई, इसमें एक ही देखने को मिल जाएगा, बुलाई मतलब आपको टारगेट करना है, तो इसमें सर क्या होगा, राइफल शूटिंग के अंदर आएगा। रग्बी, रग्बी किसके अंदर आएगा सर, रग्बी फुटबॉल के अंदर क्या आएगा, ड्रॉप किक आएगा और स्क्रीन आएगा, ठीक है, यस। स्काइंग के अंदर सर क्या आएगा, टोबोग गैनिंग आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा। शूटिंग के अंदर क्या आएगा सर, रैपिड फायर, यस, पिस्टल, उसके बाद स्टैंड फायर राइफल, फ्री पिस्टल, एयर राइफल और जो है बुलाई, ये आप इजीली याद रख सकते हो। स्विमिंग के अंदर सर क्या आएगा, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटर स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेक स्ट्रोक, लेन पूल, ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। और वहीं पे यदि हम बात करते हैं टेबल टेनिस की, टेबल टेनिस के अंदर क्या आएगा सर, बॉली आएगी, लेट सर्विस आएगी, ड्राइव स्पिन आएगी, उसके बाद जो है हाफ बॉली और उसके बाद जो है बैक हैंड और चॉप, ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। किसके अंदर सर, टेबल टेनिस के अंदर। वॉलीबॉल के अंदर सर क्या आएगा, ड्यूस,
बूस्टर, स्पाइकर, सर्विस, लव, ये सारे किसके अंदर आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू इंजॉयड द क्लास। इसके अंदर हमने टर्मिनोलॉजीज को कंप्लीट किया, कल हम बाकी की जो स्पोर्ट्स जीके हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे 30 डेज के अंदर पूरा का पूरा जो है एफकैट की जीके का कोर्स कंप्लीट करेंगे। आई होप यू इंजॉयड द वीडियो, इफ यू डू सो देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू जस्ट हैव टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। वट एवर द सजेशंस यू आर हैविंग रिगार्डिंग द वीडियो यू मे राइट इट डाउन इन टू द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच।